हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नेहा चंद्राकर। टुडे आवर टॉपिक इज हार फ्रेंचेस ऑफ अ फोर ईयर सीरीज। इसमें जो है दो टाइप की सीरीज रहेंगी हार फ्रेंच सीरीज में। फर्स्ट है साइंस सीरीज एंड सेकेंड है कोसाइंस सीरीज। फर्स्ट जो है हम साइंस सीरीज में पढ़ लेते हैं। जब भी क्वेश्चन में जो है बोल दिया जाएगा कि इसका साइंस सीरीज आपको जो है निकालना है, तो उसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना करना पड़ेगा। ये जो है जो साइंस सीरीज और कोसाइंस सीरीज अगर निकालने के लिए बोला जाता है, तो आपको जो यूलर्स फार्मूला में है, पूरे फार्मूले से हर एक की जो है वैल्यूज निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखते हैं पहले साइंस सीरीज के बारे में। इफ़ इट बी रिक्वायर्ड टू एक्सपेंड एफ ऑफ एक्स एज अ सेम सीरीज सेम साइंस सीरीज इन जीरो इज लेस देन एक्स, एक्स इज लेस देन सी, देन वी एक्सटेंड द फंक्शंस reflecting it in the origin so that the function of x is equals to minus function of minus x, then the extended function is odd। जैसे कि मैंने पहले बताया था इवन ऑड फंक्शंस में अगर हम x के जगह में माइनस एक्स जो है पुट करते हैं और फंक्शन जो है नेगेटिव आ जाते हैं, तब वो जो है ऑड फंक्शन होता है उस इंटरवल पे। वैसे ही जो है एंड दी एक्सपेंशन विल गिवन दी डिशायर्ड फोरियर सीरीज साइंस सीरीज। फोरियर साइंस सीरीज जो है क्या हो जाएगा ऑड फंक्शंस के लिए, वो देख लेते हैं। तो वो होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एन इज इक्वल्स टू वन टू इनफाइनाइट बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन सी, जहाँ पे जो सी है वो इंटरवल यानी कि रेंज है, और जहाँ पे जो बी एन है वो होगा टू बाई सी इंटीग्रेशन जीरो टू सी एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन सी इंटू डी एक्स। वैसे ही जो है कोसाइन सीरीज जो है यहाँ पे होगा इफ़ इट बी रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस एफ ऑफ एक्स एज अ कोसाइन सीरीज इन जीरो टू एक्स एक्स इज लेस देन सी वी एक्सटेंड द फंक्शंस रिफ्लेक्टिंग इट इन दी वाई एक्सिस सो दैट एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव। जो यानी कि एक्स की जगह में अगर हम जो है माइनस एक्स पुट करते हैं तो ये जो फंक्शन है वो नो चेंज होता है। तो यहाँ पे जो है इस तरीके का फंक्शन जो है इवन फंक्शंस होता है उस इंटरवल पर। एंड इट्स एक्सप्रेशन विल बी द रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज कोसाइन सीरीज इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए जीरो बाई टू प्लस समेशन ऑफ एन इज इक्वल्स टू वन टू इनफाइनाइट ए एन कॉस एन पाई एक्स अपॉन सी, वेयर ए जीरो इज इक्वल टू टू बाई सी इंटीग्रेशन जीरो टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स एंड ए एन इज इक्वल्स टू टू बाई सी जीरो टू सी एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस एन पाई एक्स सी डी एक्स हो जाएगा। बहुत ही इजी है ये। साइंस सीरीज में जो है जब फंक्शन जो है ऑड होंगे तब के लिए यहाँ पे जो है ए जीरो और ए एन निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम बी एन निकालेंगे, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है नेक्स्ट फोर ईयर साइंस सीरीज जो है वो बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन सी होगा, जहाँ पे बी एन जो है टू बाई सी इंटीग्रेशन जीरो टू सी एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एन पाई एक्स अपॉन सी होगा। उसी तरीके से कोसाइन के लिए जो है जो फंक्शन जो है इवन हो तब के लिए यहाँ पे ए जीरो और ए एन टर्म्स रहेंगे, बी एन वाले टर्म्स नहीं रहेंगे, और साथ ही साथ जो है ए जीरो है यहाँ पे जो है टू बाई सी इंटीग्रेशन जीरो टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और यहाँ पे जो ए एन है टू बाई सी इंटीग्रेशन जीरो टू सी एफ ऑफ एक्स कॉस एन पाई एक्स डी एक्स होगा। यहाँ पे हम जो है एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑब्टेन द फोरियर सीरीज एक्सपांशंस ऑफ एक्स इंटू साइन एन एक्स, साइन एक्स इज अ कोसाइन सीरीज इन जीरो टू पाई एंड हेंस सो दैट वन अपॉन वन इंटू थ्री माइनस वन अपॉन थ्री इंटू फाइव प्लस वन अपॉन फाइव इंटू सेवन अप टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू पाई माइनस टू अपॉन फोर। एक अनदर क्वेश्चन जो है हमारे पास और भी है वो हम देख लेते हैं सबसे पहले, ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। ये सेकेंड क्वेश्चन है। एक्सपेंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन बाई फोर माइनस एक्स इफ जीरो इस लेस देन एक्स, एक्स इज लेस देन वन बाई टू, यानी कि जो एक्स है जीरो और वन के बीच में हो तब जो है फंक्शन की वैल्यू जो है वन बाई फोर माइनस एक्स है, और यही फंक्शन की वैल्यू जो है एक्स माइनस थ्री बाई फोर होगा जब एक्स जो है वन बाई टू से वन के बीच में हो। हमें जो है साइन जो है टर्म जो है फोरियर सीरीज का जो साइन टर्म है वो फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास जो है एफ ऑफ एक्स फॉर दी साइन सीरीज हमको पता है वो होता है एन इज इक्वल्स टू वन टू इनफाइनाइट बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन सी होता है, और जहाँ पे जो बी एन होता है वो है टू बाई सी इंटीग्रेशन जीरो टू सी एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एन पाई एक्स अपॉन सी। और यहाँ पे देख रहे हैं टोटल जो रेंज है वो जीरो से वन तक का है, इसका मतलब जीरो टू सी और सी इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो गया वन। तो यहाँ पे जो है हम देखेंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, यहाँ पे टू बाई सी जीरो टू सी है यानी कि वन एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे जो है साइन एन पाई एक्स अपॉन सी करेंगे, सी यानी कि वन करेंगे तो वो उतना ही हो जाएगा इंटू डी एक्स।
बी एन इज इक्वल्स टू टू इन टू, यहाँ पे सी सी मीन्स यहाँ पे वन हो गया, तो टू बाई वन मीन्स टू। इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा, अब यहाँ पे देखते हैं जीरो से वन इंटरवल जो है जीरो से वन, लेकिन क्वेश्चन में जो है फंक्शन की जो वैल्यू वो अलग अलग कंडीशन के साथ दी, जीरो वन से वन जाना ही है, लेकिन उसको ब्रेकआउट करके दे दिया गया है जीरो से हाफ एंड हाफ से वन, तो उसको जीरो से वन को हमें वैसे ही तोड़ना पड़ेगा, जीरो से हाफ एंड हाफ से वन, बाकी वही चीज़ें ही रहेंगी। बी एन इज इक्वल्स टू टू इन टू, यहाँ पे फिर हम जो है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखते हैं, जीरो से हाफ के लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो जीरो से हाफ के लिए जो है वन बाई फोर माइनस एक्स है, तो यहाँ पे हम जो है वन बाई फोर माइनस एक्स रखते हैं इंटू साइन एन पाई एक्स डी एक्स, प्लस यहाँ पे देखते हैं वन बाई टू टू वन के लिए, वन बाई टू टू वन के लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स माइनस थ्री बाई फोर, तो यहाँ पे हो गया एक्स माइनस थ्री बाई फोर इंटू साइन एन पाई एक्स डी एक्स। इसका हम जो है अब इंटीग्रेशन कराते हैं, तो यहाँ पे दो फंक्शंस है तो उसका बाय पार्ट्स से सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन चलेगा। बी एन इज इक्वल्स टू इन टू, यहाँ पे हो जाएगा ये वन बाई फोर फर्स्ट फंक्शन इन टू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे साइन एन पाई एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस एन पाई एक्स अपॉन एन पाई माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो यहाँ पे जीरो जीरो माइनस वन यानी कि माइनस वन, और इसका इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन का, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एन पाई एक्स अपॉन एन पाई डी एक्स, लिमिट रख देंगे प्लस। फिर यहाँ पे देखते हैं ये भी फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन बाय पार्ट्स से सॉल्व होगा, तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन मीन साइन एन पाई एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस एन पाई एक्स अपॉन एन पाई माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो वन हो जाएगा एक्स का, ये तो जीरो हो जाएगा, वन माइनस जीरो इसका मतलब वन, इंटू साइन एन पाई एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस एन पाई एक्स अपॉन एन पाई डी एक्स, और ये लिमिट रख देंगे। बी एन इज इक्वल्स टू टू इन टू, यहाँ पे हो जाएगा ये वन बाई फोर माइनस एक्स, यहाँ पे जो है माइनस यहाँ पे ले लेते हैं सामने में कॉस एन पाई एक्स अपॉन एन पाई माइनस, और यहाँ पे देखते हैं ये और ये माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस एन पाई और कॉस एन पाई का अगेन हम जब इंटीग्रेशन कराते हैं तो कॉस एन पाई होता है और अपॉन में एन पाई है, और इसका जब कराएंगे तो वो दोबारा आ जाएगा, तो इसका मतलब एन पाई का होल स्क्वायर, लिमिट है जीरो से हाफ माइनस एक्स बाई, यहाँ पे देखते हैं एक्स एक्स माइनस थ्री बाई फोर, ये हो जाएगा नेगेटिव में हमने जो यहाँ पे ले लिया है इसको कॉस एन पाई एक्स अपॉन एन पाई, और यहाँ पे जो है माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और हमने जो है चूंकि माइनस कॉमन ले लिया है पूरे से, तो यहाँ पे फिर से माइनस हो जाएगा, यहाँ पे कॉस एन पाई का इंटीग्रेशन जो है यहाँ पे हो जाएगा साइन एन पाई एक्स, एन पाई ऑलरेडी है और उसका जब इंटीग्रेशन किए तो वो एन पाई दोनों मिला करके हो गए होल स्क्वायर, और लिमिट है हाफ टू वन। बी एन इज इक्वल्स टू टू इन टू, अब हम जो है लिमिट पुट करेंगे जीरो से यहाँ पे हाफ है, तो पहले हाफ को रखेंगे, तो एक्स के जगह में मैंने हाफ रखा है जितने भी एक्स है वहाँ पे, उसके बाद हम जो है जीरो रखेंगे लोअर लिमिट, तो यहाँ पे जो है माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा वन बाई फोर जीरो माइनस जीरो कॉस एन ये जीरो हो जाएगा और साइन में भी ये जीरो हो जाएगा। उसी तरीके से अब हम जो यहाँ पे लिमिट रखेंगे, पहले जो है हम रखेंगे यहाँ पे वन रखेंगे, तो ये हो जाएगा वन माइनस थ्री बाई फोर कॉस वन एन पाई अपॉन एन पाई माइनस, या फिर यहाँ पे जो है साइन एन पाई अपॉन एन पाई हो जाएगा एन पाई का स्क्वायर। फिर हम जो है यहाँ पे क्या करेंगे रखेंगे हाफ रखेंगे, हाफ में फिर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा वन बाई टू माइनस थ्री बाई फोर, और यहाँ पे कॉस एन पाई बाई टू हो जाएगा क्योंकि हाफ रख रहे हैं, तो अपॉन एन पाई बाई यहाँ एन पाई होगा, यहाँ पे ये एक्स नहीं आएगा एक्चुअल में। उसके बाद फिर देखते हैं माइनस यहाँ पे साइन एन पाई बाई टू अपॉन एन पाई का होल स्क्वायर। बी एन इज इक्वल्स टू टू इन टू, जब यहाँ पे हम जो है सॉल्व किए उसको, तो ये आया वन बाई फोर कॉस एन पाई बाई टू अपॉन एन पाई माइनस साइन एन पाई बाई टू अपॉन एन पाई का होल स्क्वायर प्लस वन बाई फोर कॉस जीरो अपॉन एन पाई प्लस साइन एन जीरो अपॉन एन पाई का होल स्क्वायर माइनस वन बाई फोर इन टू कॉस एन पाई अपॉन एन पाई माइनस साइन एन पाई अपॉन एन पाई का होल स्क्वायर माइनस वन बाई फोर कॉस एन पाई बाई टू अपॉन एन पाई माइनस साइन एन पाई बाई टू अपॉन एन पाई पूरे का होल स्क्वायर, ये यहाँ तक उसका सॉल्यूशन निकला। इसको और सॉल्व करते हैं, चूंकि जो है हमको एक चीज़ और पता है कि कॉस एन पाई इज इक्वल्स टू होता है माइनस वन कॉस पाई इज इक्वल्स टू होता है यहाँ पे माइनस वन, और कॉस एन पाई इज इक्वल्स टू होता है माइनस वन टू द पावर एन, और साथ ही साथ कॉस एन पाई बाई टू होता है ज़ीरो, ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे एन पाई बाई टू दिख रहा है वहाँ वहाँ पे वो ज़ीरो हो जाएगा, तो टू इंटू वन बाई फोर ये ज़ीरो हो गया माइनस साइन एन पाई बाई टू वो वैसे ही रहेगा अपॉन एन पाई होल स्क्वायर,
वन बाई फोर कॉस जीरो वन होता है तो वन अपॉन एन पाई हो गया यहाँ पे, प्लस साइन जीरो जीरो होता है तो ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस वन बाई फोर कॉस एन पाई, और कॉस एन पाई माइनस वन टू द पावर एन अपॉन में एन पाई है तो ये अपॉन में एन पाई हो जाएगा, माइनस साइन एन पाई, साइन एन पाई हमको पता है वो जीरो होता है, माइनस वन बाई फोर कॉस यहाँ पे एन पाई बाई टू है वो जीरो होता है तो यहाँ पे जो है जीरो हो जाएगा, जीरो अपॉन एन पाई, माइनस लास्ट में साइन एन पाई बाई टू अपॉन एन पाई का होल स्क्वायर। बी एन इज इक्वल्स टू टू इन टू यहाँ पे जो है जीरो हो जाएगा, माइनस यहाँ पे है साइन एन पाई बाई टू, तो पहले हम जो यहाँ पे काम करते हैं यहाँ ये दोनों ऐड हो जाएगा तो माइनस टू अपॉन एन पाई होल स्क्वायर साइन एन पाई बाई टू, प्लस वन अपॉन फोर एन पाई माइनस वन बाई फोर माइनस वन टू द पावर एन अपॉन एन पाई, तो ये बी एन इज इक्वल्स टू आएगा यहाँ पर से हम टू इंटू वन अपॉन फोर एन पाई माइनस वन बाई फोर माइनस वन टू द पावर एन अपॉन एन पाई माइनस टू इंटू टू फोर अपॉन एन पाई स्क्वेयर इंटू साइन एन पाई बाई टू। बी एन इज इक्वल्स टू यहाँ पर जो है टू का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन टू एन पाई इंटू वन माइनस माइनस वन टू द पावर एन माइनस फोर बाई एन पाई होल स्क्वायर इंटू साइन एन पाई बाई टू। जब हम इस बी एन की जगह में अब यहाँ पे एन इज इक्वल्स टू वन टू थ्री फोर रखते हैं तो ये बी वन निकलेगा, फर्स्ट टाइम पे एन इज इक्वल्स टू वन रखेंगे तो बी वन निकलेगा, और बी वन इज इक्वल्स टू यहाँ पे वन अपॉन टू इंटू वन टू टू पाई इंटू यहाँ पे वन हो जाएगा, वन माइनस माइनस वन टू द पावर वन यानी कि माइनस वन, और माइनस माइनस प्लस वन तो इस वन प्लस वन हो जाएगा टू टू, और फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस यहाँ पे फोर, आगे बढ़ते हैं फोर अपॉन एन पाई होल स्क्वायर तो एन इज इक्वल्स टू वन रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जब इसको सॉल्व करेंगे तो वन अपॉन पाई माइनस फोर अपॉन पाई स्क्वायर। बी टू बी फोर और बी सिक्स जो है जीरो हो जाएंगे, यहाँ पे आप रख के देख सकते हैं क्योंकि ये जो है ना बी टू रख के देखते हैं तो ये हो जाएगा वन अपॉन फोर पाई, यहाँ पे जो है जीरो हो जाएगा टोटल टर्म्स, और यहाँ पे भी अगर हम जो है टू पाई करते हैं क्योंकि साइन टू पाई साइन फोर पाई ये सब जो है क्या होता है जीरो होता है, तो उन सभी के लिए जो है यानी कि एन इज इक्वल्स टू इवन के लिए, एन इज इक्वल्स टू इवन के लिए जो बी एन है वो हो जाएगा जीरो। ऑड के लिए वन निकल गया, थ्री निकालते हैं तो यहाँ पे वन अपॉन थ्री रखते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पे टू एन पाई है तो यहाँ पे हो जाएगा सिक्स एन पाई इंटू यहाँ पे आ जाएगा वन माइनस ये हो जाएगा तो ये टू टू और टू कैंसिल तो वन अपॉन थ्री पाई आएगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा वन अपॉन फोर अपॉन यहाँ पे आएगा नाइन थ्री स्क्वेयर पाई स्क्वेयर और ये साइन तो वन हो जाएगा। वैसे बी फाइव के लिए इसका मतलब सिक्वेंस जो ऐसे जा रहा है, वन अपॉन थ्री निकाल रहे हैं तो थ्री पाई माइनस फोर अपॉन थ्री स्क्वेयर पाई स्क्वेयर, फाइव निकालेंगे तो वन अपॉन फाइव पाई और माइनस फोर अपॉन फाइव स्क्वेयर पाई स्क्वेयर, आगे आप जो है सिक्स सेवन भी निकाल सकते हैं। तो हमने जो है यहाँ पे सभी वैल्यूज निकाल ली हैं, उसके बाद जो है हमको पता है कि इसमें जो है साइन सीरीज जो है फोरियर सीरीज हाफ रेंज सीरीज में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है एन इज इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट बी एन साइन एन पाई एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, अब हम समेशन को यहाँ पे ब्रेक कर देंगे एन इज इक्वल्स टू वन टू थ्री अब टू रखते जाएंगे तो यहाँ पे जब एन इज इक्वल्स टू वन रखेंगे तो बी वन साइन एन है उसका जगह भी वन पाई हो जाएगा वन पाई एक्स, प्लस टू रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बी टू साइन टू पाई एक्स, थ्री रखेंगे तो साइन यहाँ पे बी थ्री साइन थ्री पाई एक्स अब टू चला जाएगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ पे बी वन, बी वन की वैल्यू साइन पाई एक्स प्लस बी टू की वैल्यू साइन टू पाई एक्स, सॉरी बी टू जो जीरो है साइन यहाँ पे बी थ्री का निकलेगा तो बी थ्री साइन थ्री पाई एक्स, फोर जो जीरो है तो ये साइन अब उसके बाद फाइव का आएगा तो ये फाइव बी बी फाइव और साइन फाइव एक्स, ये इसी तरीके से सीक्वेंस जो है जारी रहेगा। तो ये जो हमारे पास जो फोरियर सीरीज उस फंक्शन का हमारे पास निकल गया जिसमें जो है साइन सीरीज कहीं निकालना था हमें, तो इस तरीके से जो है हाफ रेंज सीरीज के थ्रू से जो है किसी भी एक पर्टिकुलर साइन सीरीज हो या कॉस सीरीज हो वो हम निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमने जो है यहाँ पे साइन टर्म देखा था फोरियर सीरीज का, तो आप जो है इसी तरीके से कोसाइन जो टर्म्स है वो भी हम निकाल सकते हैं, नेक्स्ट में हम जो है कोसाइन का ही देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।